एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब पेट पर पत्थर बांधने पड़ते हैं। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है। इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सनसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। बाइडेन नॉमिनेट फॉर्मर मास्टर कार्ड सीईओ अजय बंगा टू हेड वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का जो हेड बनाया जा रहा है उनका ताल्लुक भी निकला है इंडिया से। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं। और अब ये बढ़ते देखें, दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज आप देखें ये रोल मॉडल्स बन रहे हैं अमेरिकन इंडियंस के लिए। चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है, जरा गौर से सुनिएगा। 1947 में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम जो नारे लगा रही है वो ये है कि भाग जिंदा पाकिस्तान से, चाहे इंडिया ही क्यों ना जाना पड़े। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए हैं। पहले जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब वो पाकिस्तान जिंदा भागने के नारे लगाने पर मजबूर हैं और इंडिया जाकर रहने पर भी मजबूर हो चुके हैं। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं, वही चीज मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपये किलो मिलते, चिकन 150 रुपये किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपये लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें, मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ सनसेर है। मोदी, हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले, दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है, तो इस मुल्क को वो ऊपर लेके जाए। अभी हमें तलाश है तैयब उर्दगान की या मोदी की, डिफॉल्ट तो हमने होना ही होना है क्योंकि ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, गलत रास्तों पर चला रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो एक शख्स आया था आपके मुल्क को ठीक करने के लिए, ये बाजवा साहब ने उसका खाना खराब कर दिया। यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार है, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। मोदी साहब ग्रेट मैन, क्या कर रही है आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान है वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान, तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही, आप यकीन कीजिए पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को, तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। अभी आप देखें कि पिछले साल कितने ज्यादा यूथ जो है पाकिस्तान छोड़कर चली गई, पता नहीं किन किन कंट्रीज में गई लेकिन चले गए, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम कह रही है कि हम यहाँ से जिंदा भागने के लिए तैयार है चाहे हमें इंडिया जाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को, पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं, किसी भी लिहाज से नहीं है। वो इधर हैं, हम लोग इधर हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। हम लोग सिर्फ एक अपनी अना पे झूठी तसल्ली जो मीडिया ने दिखाया सारी ज़िंदगी, बचपन से जो हमें पढ़ाया गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करें बचपन से ये पढ़ाया होता ना हम इंडिया हमारा दोस्त है तो आज हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होना था। अभी अभी रिसेंटली आप इंडिया से दोस्ती कीजिए, आपका चिकन भी सस्ता हो जाएगा, आपके टमाटर प्याज आलू इच एंड एवरीथिंग हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर अभी भी अना अपनी जो झूठी अना, इसे झूठी अना कहते हैं, ये झूठी अना को अभी भी ख़त्म करें, इंडिया के साथ दोस्ती कर लें, वो बड़ा भाई है, मान लो बहुत बड़ा है आपसे, आप छोटे बन जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर लिहाज से जुड़ने की कोशिश करते हो, पहले उस लेवल के तो हो जाओ।